नहीं देखिए, ये थॉट नहीं लेना चाहिए कि समय बर्बाद हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़े तनाव का विषय है कि समय बर्बाद हो रहा है, और इसको अति में खींचने पर बहुत तनाव पैदा हो सकता है। अब कई लोग सोएंगे तब भी उनको लगेगा कि मैंने सोकर समय बर्बाद कर दिया और मैंने ऐसे कर दिया, मतलब इसका इसका कोई अंत नहीं है इस तरह सोचने का। फिर वही चीज़ लेकर आइए, जो परिस्थितियाँ अस्तित्व ने आपके लिए रच दी हैं वो आपके लिए उपयुक्त तो होंगी, उनका पूरा स्वीकार कर लीजिए। वही स्वीकार श्रद्धा और अंतर संबंध के भाव में रहें, और जितना बन पड़े उतना शांतिपूर्ण जीवन जिए स्वीकार से। तो वही इनटेक है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, उसी हिसाब से व्यक्ति करेगा। किसी के लिए कोई एक मानक नहीं बनाया जा सकता कि ऐसे ही सब चलेंगे, क्योंकि वक्त वक्त पर बदल रही होंगी चीज़ें। बस ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। श्रद्धा देखिए यही है कि कोई उलझे नहीं किसी चीज़ से। परिवार में क्या है, लोग सबसे ज़्यादा जो अशांति है उलझने से दूसरों से, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। आप स्वीकार कर लें, जो जैसा है वैसा ही करेगा। जिसका ढांचा स्ट्रक्चर जैसा बना है उसके सिवा कुछ करने का उसके पास उपाय नहीं, तो मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे जो करना होगा मैं वो कर लूँगी, जो मेरे लिए लगेगा ये श्रेष्ठ है इस मोमेंट में, वो भी कोई स्थायी रूप से बेस्ट नहीं होगा। इस क्षण में जो आपका शरीर मन आपकी क्षमता के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ हो वो आप कर दीजिए, बस बात खत्म। दूसरों से उलझिए नहीं, दूसरी परिस्थितियों से मत उलझिए, वो स्वीकार करके जिए। तो वो साधना का सबसे गहरा तल है, वही साधना है बेसिकली। परिवार में रहने वाले लोगों के लिए साधना के तो अंतहीन अवसर हैं, इसलिए परिवार में रहने वाले लोग जितने परिपक्व हो सकते हैं उतने जंगल जाने वाले कभी नहीं हो सकते। उनको परिस्थितियां नहीं मिलेंगी परिपक्व होने के लिए। आपको तो क्षण प्रतिक्षण बहुत सारे परिस्थितियों के बदलाव देखने को मिलेंगे और उनसे निपटने के मौके मिलेंगे। तो उसमें अपनी समझ और अपनी प्रज्ञा का उपयोग करें, बस वही साधना है। Thank you.